सब्सक्राइब कीजिए ग्रैड ड्रीम्स चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे FAQs के सेक्शन का एक और वीडियो आ चुका है जिसका टॉपिक है व्हाट शुड यू बी डूइंग अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन व्हेन यू आर स्टडीइंग अब्रॉड। बट बिफोर दैट गाइस, इफ यू आर समवन हु इज प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, देयर इज एन अपॉइंटमेंट लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बुक योरसेल्फ एन अपॉइंटमेंट एंड गेट ऑल ऑफ योर स्टडी अब्रॉड डाउट्स क्लियर। फर्स्ट थिंग टू डू इज टू मेक लोकल फ्रेंड्स। अभी लोकल फ्रेंड्स बनाने का रीज़न क्या है? सो बेसिकली जब आप किसी नए कंट्री में जाते हो, वहाँ पे आप जस्ट वहाँ पे रहना, वहाँ का खाना वगैरह जो भी सारी चीज़ें रहती हैं उनसे क्विकली एडजस्ट नहीं कर पाते हो। सो हु कैन हेल्प यू डू दैट? योर लोकल फ्रेंड्स। सो मेकिंग लोकल फ्रेंड्स विल नॉट जस्ट हेल्प यू इन बिल्डिंग न्यू कनेक्शंस, बट विल ऑल्सो हेल्प यू लिव देयर एफिशिएंटली एंड इन अ बेटर एंड अ सेफर वे। सेकेंड चीज़ है टू लर्न द लैंग्वेज। नाउ व्हाई शुड यू लर्न द लैंग्वेज? दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी, पोर्चुगल। अगर आप किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, जैसे US हो या कनाडा हो, अगर आप ऐसे कंट्रीज में जा रहे हो, फ्रांस और जर्मनी जैसे, तो आप वहाँ का लैंग्वेज सीखने से ना ही आप वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे, लेकिन अगर इवेंचुअली आप वहाँ पे जॉब भी ढूंढ लेते हो तो वहाँ पे मैनेजमेंट पोजीशंस में या इंजीनियरिंग पोजीशंस में आपको कम्युनिकेशन के लिए भी इजी पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग टू डू इज एक्सप्लोर डिफरेंट लोकेशंस। अभी नए लोकेशंस एक्सप्लोर करने से मेरा मतलब है कि आप ट्रैवल करें। अगर आप किसी अच्छे कंट्री में हो जहाँ पे बहुत सारे लोकेशंस हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो, वहाँ के कल्चर्स को जान सकते हो, तो वो ज़रूर करें, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस 2 ईयर्स और 3 ईयर्स जितने की भी आपकी डिग्री है, उसके अलावा द चांसेज ऑफ यू कमिंग बैक टू दिस कंट्री आर रेयर एंड रेयर टू स्लिम। सो आपके पास अभी चांस है घूमने का, एक्सप्लोर करने का, नए फ्रेंड्स बनाने का, तो वो ज़रूर करें। तो जो अगली चीज़ आप कर सकते हैं वो है कि आप कंट्री स्पेसिफिक जहाँ पे भी जा रहे हो टू एक्सप्लोर द कंट्री बेस्ड ऑन व्हाट इट इज़ फेमस फॉर। सो अगर आप इटली जा रहे हो तो वहाँ के पास्ताज, पिज़्ज़ाज ज़रूर ट्राई करें। फ्रांस जा रहे हो, पेरिस जा रहे हो, तो वहाँ का जो भी फैशन एंड लग्जरी इंडस्ट्री है वो एक्सप्लोर करें। जर्मनी जा रहे हो तो वहाँ का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सप्लोर करें। ऐसी सारी चीज़ें करने से आपको उस कंट्री के बारे में भी और पता लगता है और आपका नॉलेज जो है वो होराइजन वो ज़्यादा बढ़ जाता है। द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ टू पार्टिसिपेट इन द लोकल फेस्टिवल्स। जैसे अगर आप स्पेन में, आपको पता ही होगा जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो फेमस मूवी है, वहाँ पे टोमाटीना फेस्टिवल पे इतना बड़ा शॉट लिया गया था। तो अगर आप ऐसे कंट्रीज़ में हो जहाँ पे ऐसे फेमस यूनिक फेस्टिवल्स होते हैं तो उनमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत मज़ा भी आएगा एंड आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बेटर हो जाए। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई और डाउट्स है किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड, या फिर आपके पास कोई और FAQ है, तो वो ज़रूर क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी ज़रूर दीजिए एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए किसी ऐसे दोस्त के साथ जो बाहर जाने की इच्छा रखता हो। एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर क्वेश्चन। सो सी यू टू द नेक्स्ट टाइम।